वेरी गुड मॉर्निंग लर्नर्स, मैं प्रीति शर्मा, लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी। और आज हम डिस्कस करेंगे लाइब्रेरी साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि BLS 103 से रिलेटेड है और है इसका नाम लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कैटलॉग क्या होता है, इसके बाद हम लोग कैटलॉगिंग डिस्कस करते हैं। तो कैटलॉग की ओरिजिन कहाँ से हुई है इसके बारे में मैं सबसे पहले बताऊँ आपको। तो ये जो कैटलॉग शब्द है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड से फॉर्म हुआ है और ग्रीक वर्ड में से कैटलॉगस बोलते हैं, जिसमें कि कैटा प्लस लॉगस से ये मिलकर बना है। और कैटा का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू और लॉगस का मतलब होता है ऑर्डर, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑर्डर में हम जो भी कलेक्शन होता है लाइब्रेरीज में उसको अरेंज करते हैं ताकि यूजर्स अलग अलग तरीक़ों से बुक्स को सर्च कर सकें, ठीक है। और कैटलॉगिंग क्या होता है, कैटलॉगिंग बेसिकली क्या होती है, प्रोसेस होता है कि जो कैटलॉग कार्ड होते हैं लाइब्रेरीज में हम लोग जिसे हम लोग अरेंज करते हैं तो उसमें किस तरह से हम मतलब किस तरह से कैटलॉग कार्ड बनाते हैं, तो वो प्रोसेस ही हमारा कैटलॉगिंग कहलाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग डेफिनेशन ले लेते हैं कि क्या क्या मतलब इसमें क्या डिफाइन किया हुआ है डेफिनेशन के थ्रू। तो कैटलॉग इज अ लिस्ट ऑफ रीडिंग मटेरियल अवेलेबल इन लाइब्रेरी और अ ग्रुप ऑफ फैब्रिक। तो कैटलॉग के थ्रू हम लोग जो भी कलेक्शन होते हैं लाइब्रेरीज की उसकी डिटेल्स उस कैटलॉग में अवेलेबल होती है। साथ ही साथ कैटलॉग इज एक्सप्लेनेटरी लॉजिकली अरेंज्ड इन्वेंट्री एंड की टू द बुक्स एंड देयर कंटेंट एंड इट इज़ कन्फाइंड टू द बुक इन अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी, यानी कि जो भी हमारे पास लाइब्रेरीज में कलेक्शन होता है बुक्स फॉर्म में है, जर्नल है, मैगजीन है, जितनी भी हमारे पास माइक्रो फॉर्म है, सीडी है, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका हम लोग कैटलॉग मेंटेन करते हैं जिससे कि बुक्स को हम प्रॉपर मैक्सिमम यूज़ कर सकें, ठीक है। और साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं, देखिए इसका हम मतलब बेसिक यूज़ क्या है, क्योंकि अभी भी आपको आई थिंक क्लियर नहीं होगा कैटलॉग क्या होता है। बेसिकली आज के समय पे हम लोग ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग का यूज़ कर रहे हैं, तो इसी का ही ट्रेडिशनल मेथड है कैटलॉगिंग। आज के समय में तो आप ऑनलाइन कैटलॉग के माध्यम से बुक्स को अलग अलग तरीक़ों से सर्च कर सकते हो एक क्लिक के माध्यम से, बट अब जब हमारे पास ट्रेडिशनल लाइब्रेरी हुआ करती थी तो उस समय हमारे पास मतलब सिस्टम की व्यवस्था नहीं थी और ओपेक का हम लोग यूज़ नहीं करते थे, तो हम लोग कैटलॉग कार्ड बनाते थे जिसके थ्रू हम लोग बुक्स को अलग अलग तरीके, जैसे कि आज हम सीरीज हो गई, ISBN हो गया, कॉल नंबर हो गया, ऑथर हो गया, टाइटल, अलग अलग तरीक़ों से हम क्लिक करके बुक्स को सर्च कर सकते हैं उसकी लोकेशन क्या है। इसी प्रकार से हम लोग कैटलॉगिंग के थ्रू भी हम बुक्स को अलग अलग तरीक़ों से सर्च करके उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं जिससे कि जो यूज़ मतलब टाइम जो लाइब्रेरी का यूज़र का है वो सेव हो सके, ठीक है। और इसके फंक्शंस क्या है, फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो टू हेल्प द स्प्रेडेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ लाइब्रेरी इन द कन्फर्मिटी विद द लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो जो लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जितने भी मैंने लेक्चर्स प्रीवियस अभी तक डिस्कस किए हैं, तो मैंने सभी लेक्चर्स में लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की बात की है। तो जो जितने भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी कोरिलेट करती है लाइब्रेरी साइंस के लॉ से। तो ये जो हमारा कैटलॉग भी है, तो कैटलॉग भी हमारे लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को फुलफिल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि ये मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो भी हमारे पास कलेक्शन है उसके मतलब कैटलॉग के थ्रू उसका हम लोग मैक्सिमम यूज कर सकते हैं और हमारे जो यूजर्स हैं वो भी मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि हमारी लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें हैं, वो सर्च नहीं कर पाएंगे, तो हमारे जो कलेक्शन है वो एक तरह से वेस्ट हो जाएगा और उसका मैक्सिमम यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम अपने मटेरियल जो हमारे पास जो भी मटेरियल है उनको भी सर्च कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से, और वो कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं, लोकेशन को भी ट्रेस कर सकते हैं इसके माध्यम से। और साथ ही साथ कुछ और भी फंक्शंस हैं इसके, जैसे कि यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम कैटलॉग कार्ड के थ्रू बुक्स की डिटेल्स को प्रोवाइड करा सकते हैं ऑथर के थ्रू, या फिर आपका सब्जेक्ट के थ्रू, आपका ISBN, या फिर आपके कॉल नंबर के थ्रू। साथ ही साथ हम लाइब्रेरी जो कैटलॉग के द्वारा हम अपनी लाइब्रेरी को कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारा सिस्टम मैनेजमेंट हम लोग कैटलॉग के थ्रू करते हैं कि कौन कौन से कलेक्शन हमारे पास है और किस किस तरीक़ों से सर्च कर सकते हैं, और कोई भी नई बुक आती तो हम लोग उसमें उसकी कैटलॉग कार्ड मेंटेन कर सकते हैं जिससे कि जो हमारा यूज़र आएगा उसे आसानी से वो किताब मिल जाएगी। साथ ही साथ हम अपने जो भी हमारे पास कलेक्शन है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ हमारे पास कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है, और इंस्टेंटली हम उस कैटलॉग में देख के उस बुक के बारे में बता सकते हैं। तो ये फंक्शंस की बात है। और अब हम बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। तो प्रिंसिपल्स बेसिकली इसमें कि अगर सपोज दैट कोई यूज़र आता है लाइब्रेरी में, ठीक है, तो ये
मतलब उसे कोई बुक सर्च करनी है और उसे उस बुक का सब्जेक्ट पता है, टाइटल नहीं पता है, ठीक है, तो उस केस में भी हम उसे बुक्स को प्रोवाइड करा सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड, ठीक है। तो ये आप है कि अगर आप यहाँ पे बताया हुआ है प्रोवाइड द बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल, यहाँ पे टाइटल की बात ही है, और आप अगर टाइटल नहीं मतलब केवल टाइटल है तो भी आप सर्च कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपके पास टू प्रोवाइड दिस ऑफ एवरी बुक फॉर द पर्टिकुलर ऑथर इन द सॉरी टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ एवरी बुक फॉर द पर्टिकुलर ऑथर विद द ऑल एडिशन एंड डिस्क्रिप्शन, साथ ही साथ हम उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में भी मालूम चल सकता है, क्योंकि जब हम कैटलॉग कार्ड बनाते हैं, अभी मैं आपको कैटलॉग कार्ड का फॉर्मेट भी दिखाऊंगी, तो उसमें आपको बुक्स की डिस्क्रिप्शन भी दी होती है कि आपका बुक्स में, क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं आपके पास स्टैटिस्टिक की किताब होती है या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी की किताब होती है, तो उसमें कुछ स्टैटिस्टिकल का पोर्शन भी दिया होता है, और अगर हम रैंडमली देखते हैं कि रिसर्च की किताब, तो हमें रिसर्च की किताब के नाम से और अगर हम कंटेंट सर्च करना चाहें स्टैटिस्टिक का, तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि हाँ उसके अंदर स्टैटिस्टिक कंटेंट हो सकता है, लेकिन हमारे पास कैटलॉग कार्ड में जो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन होता है उसके थ्रू हमें आइडिया लगता है कि हाँ इसमें हमारा स्टैटिस्टिकल पार्ट भी दिया हुआ है, तो ये भी एक मतलब इसका एक मतलब बेनिफिट होता है। साथ ही साथ टू प्रोवाइड द बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर टाइटल इन द एब्सेंस ऑफ ऑथर, यानी कि अगर हमारे पास ऑथर है इन द एब्सेंस ऑफ ऑथर, यानी कि अगर हमारे पास टाइटल है या फिर हमारे पास सब्जेक्ट है और हम बुक्स को सर्च करना चाहते हैं, तो हमारे पास हम मतलब उस बुक को सर्च कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑथर, क्योंकि अलग अलग तरीकों से हम लोग कैटलॉग कार्ड मेंटेन करते हैं, तो हम वो भी आपको दिखाएंगे कि किस किस तरीकों से हम ये सर्च पॉसिबल करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स के बारे में था, और मैं पहले कार्ड दिखाती हूँ फिर इसके एम्स बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे एक कार्ड फॉर्मेट है बेसिकली, तो यहाँ पर आप एक कार्ड फॉर्मेट है और एक साथ में एक मैं ए सी आर टू आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा आपको। तो ये ए सी आर टू हमारे पास लाइब्रेरी साइंस के कोर्स में आपके दो कैटलॉगिंग कोड हैं, एक है ए सी आर टू है और एक है सी 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 यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड और एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। तो ज़्यादातर अगर बात करें लाइब्रेरीज में जो हम लोग कैटलॉगिंग करते हैं या कैटलॉग कार्ड बनाते हैं उनमें इसी कोड का यूज़ करते हैं। इसे चार ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया था, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन, कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन और साथ ही साथ आपकी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, तो इससे मिलकर बनाया था। और अगर बात करें मोस्टली लाइब्रेरीज में इसी का ही यूज़ होता है, और जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है वो आपका इंडियन क्लासिफाइड कोड है, ठीक है, तो वो रंगनाथन सर द्वारा दिया गया था, लेकिन वो बेसिकली इंडिया में ही यूज़ होता है और बहुत कम जगहों पे यूज़ होता है, तो ज़्यादा ये यूज़ करते हैं, और ये ही इसी इसी कार्ड के थ्रू ही हम बुक्स को अलग अलग तरीक़ों से सर्च कर सकते हैं। ये BLIS 1045 में आप पढ़ेंगे जो कि सेकेंड सेमेस्टर में है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कार्ड का साइज बेसिकली क्या होता है, 12.5 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसकी चौड़ाई होती है वो 12.5 सेंटीमीटर होती है और लंबाई होती है 7.5 सेंटीमीटर, यानी चौड़ा ज़्यादा होता है कार्ड, ठीक है। और इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपकी कॉल नंबर की डिटेल दी हुई है, यहाँ पे आपका ऑथर है, यहाँ पे आपका टाइटल दिया हुआ है, पब्लिकेशन प्लेस, पब्लिशर नेम, साइज बुक का क्या है, ठीक है, आपके रेफरेंस पेजेस कौन कौन से हैं, इंडेक्स पेज क्या है, यानी कि जो इतनी भी इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है नोट सेक्शन में वो सारी भी चीज़ें हैं। कुछ एडिशनल चीज़ें बुक्स में अगर होती हैं जैसे कि इलस्ट्रेशन है आपका या आपका मतलब आपके टेबल हैं, मैप हैं, तो उनको भी हम लोग यहाँ पे नोट सेक्शन में लिखते हैं, तो क्योंकि अगर कोई बच्चा आता है, यूज़र आता है लाइब्रेरी में, तो वो कुछ मतलब उसकी सीरीज से या उसके इलस्ट्रेशन के थ्रू भी बुक को सर्च कर सकता है। तो ये आप कार्ड देख रहे हैं, तो इस कार्ड में आपको मोस्ट मतलब ज़्यादातर किताब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस किताब में मिल जाएगी, ये मेन मेन एंट्री कार्ड कहलाता है। और यहाँ पे आपको एडेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारे पास ऑथर का नाम है और हम बुक को सर्च करना चाहते हैं तो भी हम बुक्स को सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमने आइडेंटिटी का कार्ड बनाया हुआ है। तो अगर हमारे पास सब्जेक्ट से कोई बुक सर्च करने आया, कोई यूजर मान लिया डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है, तो उसे इसके थ्रू हम रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, इसके थ्रू ये मेन एंट्री कार्ड तक पहुंच जाएगा और मेन एंट्री कार्ड पे उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और वो भी ये भी मैच कर लेगा कि हाँ मुझे इस बुक की इस ऑथर की किताब चाहिए थी, हो सकता है वो मिस कर गया हो और केवल उस सब्जेक्ट पता है, तो वो ऑथर के नाम को देख के और डिटेल को देख के उस बुक को सर्च कर सकता है। और इसका एक ये फायदा भी है कि ये बेसिकली एंट्रेंस पे लगा होता है और
यहाँ पर आपको कैटलॉग कार्ड कैबिनेट में दिखाती हूँ। ये कैटलॉग कार्ड कैबिनेट में ही ये जो कार्ड होते हैं ये अरेंज किए जाते हैं अलग अलग तरीकों से, ठीक है। यहाँ पर ये अलग अलग तरीके भी मैंने बता रही हूँ आपको। ये जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये कैटलॉग कार्ड, मैंने आपको दिखाया, ये कैटलॉग कार्ड कैबिनेट का फॉर्मेट होता है और ये एंट्रेंस पे रखे जाते हैं और ये अलग अलग तरीकों से रखे जाते हैं, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, उसमें आपके ऑथर के अकॉर्डिंग, टाइटल के अकॉर्डिंग, या फिर आपका सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर आपका डिक्शनरी कैटलॉग के थ्रू अगर इस तरह से भी अरेंज हैं तो उसमें भी आपके डिक्शनरी ऑर्डर में ही होंगे। अगर सपोज दैट ऑथर है तो ए टू जेड के फॉर्मेट में होगा, इसी प्रकार से अगर सब्जेक्ट है तो भी ए टू जेड डिक्शनरी फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी अरेंज होते हैं, साथ ही साथ इस तरह से भी हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक है। और ये कैटलॉग कार्ड का ओपन मतलब ड्रॉअर होती है, और ये जो कार्ड मैंने आपको बताया 12.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई है और 7.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, तो इसमें एक लोहे की रॉड के थ्रू इंसर्ट करा के इसे इसमें रखा जाता है और इन ड्रॉअर में अरेंज कर दिया जाता है। और बेसिकली जो ये ड्रॉअर होते हैं इसे बोलते हैं कैटलॉग कार्ड कैबिनेट बोलते हैं इसे, और ये लकड़ी का बना होता है और इसे हम लोग एंट्रेंस ऑफ मतलब जो भी हमारा जो एंट्रेंस होता है लाइब्रेरी का वहां पर रखते हैं, जिससे कि कोई भी यूजर जब आता है बुक्स को सर्च करने के लिए तो वो अलग अलग, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि वो अगर उसके पास ऑथर का नाम है, सब्जेक्ट नहीं, सॉरी सब्जेक्ट का नाम है, ऑथर का नाम नहीं है, तो वो सब्जेक्ट की बेस्ट बुक को भी देख सकता है कि हाँ हमारे पास सब्जेक्ट है, तो हमारे पास सब्जेक्ट कैबिनेट, सब्जेक्ट कार्ड कैटलॉग कैबिनेट है, तो वो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट का जो डिक्शनरी ऑर्डर में अवेलेबल है सब्जेक्ट को देख के उस कैटलॉग कार्ड को निकाल के उसमें मेन एंट्री को देख के उसके ऑथर, साथ ही साथ बुक की सभी डिटेल्स को देख सकता है और साथ ही साथ लोकेशन को भी देख सकता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो हमारे पास कॉल नंबर दिया हुआ है जो कि हमारे लोकेशन को ट्रेस करता है, और लोकेशन के थ्रू वो जाकर वहां पर स्टैक्स में बुक्स को कलेक्ट कर सकता है। यानी कि जो ओपे का काम आज के डेट में हो रहा है वही सेम ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज में हम लोग कार्ड कैटलॉग के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो ये कैटलॉग कार्ड के बारे में मैंने बताया, और अलग अलग तरीकों से भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया कि ऑथर टाइटल कैटलॉग, तो ऑथर के जितने भी ऑथर्स होंगे उनके नाम के ऑर्डर में ये सारे कैटलॉग कार्ड बने हुए हैं, और ये जो एडेड एंट्रीज है आपको देख रहे होंगे ना, देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये ऑथर का नाम है, ठीक है। तो ऑथर कार्ड सॉरी, तो ये ऑथर कार्ड की अभी एडेड एंट्री बनती है, ठीक है। और एक प्रॉब्लम ये भी होती है जैसे कि मान लिया किसी बुक की दो ऑथर, ठीक है, तो उस केस में बहुत ज्यादा यूजफुल यूज होते हैं इसका लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड का, क्योंकि मान लिया किसी मतलब एक नोन ऑथर के बारे में सबको पता होता है, ठीक है, तो नोन ऑथर के थ्रू वो सर्च करते हैं। ज्वाइंट ऑथर के केस में ज्यादा बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि ज्वाइंट ऑथर के केस में सपोज दैट एक ऑथर के थ्रू हम सर्च कर रहे हैं और दूसरा ऑथर नहीं पता है हमें, तो हमें दोनों ऑथर के थ्रू भी बुक को सर्च कर सकते हैं, एक फायदा ये भी होता है, ठीक है। तो हमें अलग अलग तरीकों से सर्च करने में मदद मिलती है इन क्लासिफाइड कैटलॉग कार्ड के माध्यम से, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज में यूज होता है, अभी अभी भी आप इसे देख सकते हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज में अभी भी अवेलेबल है, लेकिन इसे एक तरह से आर्काइव में ही रखा जाता है कि आपको मतलब जो हमारे पहले कैसे यूज कर रहे थे उसके बारे में मालूम चल सके, लेकिन यही इसी की मतलब इसकी जगह आजकल ओपेक ने ले ली है, ठीक है। तो ओपेक में हम अलग अलग तरीकों से सर्च कर सकते हैं, और लेकिन ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज में हम लोग कैटलॉग कार्ड कैबिनेट की मदद से ही सर्च करते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि आप ओपेक के माध्यम से सर्च करते हैं बट ACR2 में जब कैटलॉगिंग करते हैं ना तो ये कार्ड आपको देखने को मिलते हैं। आप अगर आप सर्च करेंगे, मैं ओपेक का अलग से लूंगी एक लेक्चर, तो ओपेक में बताऊंगी मैं कि जब हम लोग मार्क पे कैटलॉगिंग करते हैं ना, तो मार्क पे कैटलॉगिंग करने के बाद हमारे पास ओपेक में जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है वो कैटलॉगिंग करने के बाद ही मिलती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो कार्ड अभी हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, तो ये कार्ड भी आपको मार्क कैटलॉगिंग करने के बाद हम लोग ओपे के माध्यम से भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ इस मतलब उसको कार्ड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं मार्क के थ्रू। तो अलग अलग तरीकों से हम लोग मतलब एक डेटाबेस तैयार करने के साथ साथ हमें तीन इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो हमें प्रिंट कराना होता है तो हम लोग
मार्क कैटलॉगिंग करने के बाद उसे प्रिंट भी कराते हैं कार्ड फॉर्मेट के माध्यम से। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हम लोग एक कैटलॉगिंग क्यों यूज़ करते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। और अभी अगर बात करें हम एट प्रेजेंट अगर बात करें तो मतलब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज होती हैं उनमें यूज़ हो रहा है, लेकिन जो अभी एडवांस लाइब्रेरीज हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर्स हैं और ऑटोमेशन है तो वहाँ पर इसका यूज़ नहीं हो रहा है। वो केवल आपको नॉलेज बेसिस पे है कि हमने पहले कैसे यूज़ करते थे, और लेकिन आपको बेसिक ज़रूर पता होना चाहिए कि कैसे हम यूज़ करते थे, क्योंकि एज अ लाइब्रेरी प्रोफेशनल ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ इसे कैसे तैयार करते थे ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप आज हमने सीखा लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के बारे में कि कैसे हम लोग कार्ड कैटलॉग का यूज़ करते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, और साथ ही साथ एम्स क्या है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।